इस सदन की एक परंपरा रही है कि वित्तीय कार्य जो सरकार का होता है उसको हम लोग पास कर ही देते हैं, उसको रोका नहीं जाता है, क्योंकि अगर उसको रोका जाएगा तो सरकार ठप हो जाएगी, देश की गति रुक जाएगी। इसलिए ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है वह भी पास हो ही जाएगा, सरकार का कामकाज चलता ही रहेगा और 54,588 करोड़ रुपए सरकार को अतिरिक्त प्राप्त हो जाएंगे। ये नेट कैश आउट को जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री डिमांड का, वह यह राशि है। यानी कि जो बजट 26 फरवरी को इस साल वित्त मंत्री जी ने पेश किया उसके 5 महीने के बाद वो फिर इस सदन के सामने आए हैं कि उनको 54,588 करोड़ रुपया और चाहिए कैश में। ये टेक्निकल सप्लीमेंट्री नहीं है, वो अलग से है और विभिन्न मदों में जिसका जिक्र उन्होंने इस पुस्तिका में दिया है वो इस मांग को सदन के सामने रखते हैं। मैंने इसलिए कहा कि सदन वित्तीय काम को पास कर देता है क्योंकि आपको याद होगा उपाध्यक्ष महोदय कि सन 1999 में एक ऐसा भी अवसर आया था इस सदन के सामने कि बजट पास होने के पहले ही सरकार एक वोट से इस सदन में हार गई थी, अपदस्थ हो गई थी, लेकिन फिर सबकी सहमति से यह तय हुआ कि बजट को, पूरे बजट को बिना किसी चर्चा के पास कर दिया जाएगा और पूरा बजट 1999-2000 का इस तरह पास हुआ था। अब जहां तक सप्लीमेंट्री डिमांड्स का सवाल है इसमें दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक की साइज ऑफ डिमांड कितना है। मुझे याद है 2008-09 में तत्काल वित्त मंत्री जी जो थे उन्होंने लगभग 7,50,000 करोड़ का बजट पेश किया था और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सप्लीमेंट्री जो सदन के सामने आया उसमें उन्होंने 1,53,000 करोड़ रुपया 1,53,000 करोड़ और एडिशनल लिया। और उस समय मुझे याद है कि मैंने कहा था कि दिस इज एक्चुअली ए फ्रॉड ऑन बजट मेकिंग, क्योंकि बहुत सारी मांगे ऐसी थी, खर्चे ऐसे थे जिसको बजट बनाते समय ही हम शामिल कर सकते थे बजट में, लेकिन हम सब जानते हैं कि वित्त मंत्री क्यों उन खर्चों को नहीं शामिल करते हैं। इसलिए नहीं शामिल करते हैं कि वो जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, उसको वो कम करके दिखा सके। अब ये 54,000 करोड़ का जो अतिरिक्त मांग सदन के सामने आई है ये लगभग 1% ऑफ जीडीपी है, 1% ऑफ द जीडीपी, और मैं मानता हूं कि ये बड़ी मांग है। ये 5,000 करोड़ होता, 10,000 करोड़ होता तो मैं कहता सामान्य है, कई ऐसी जरूरतें होती हैं जो फरवरी में ध्यान में नहीं होती हैं, लेकिन 54,000 करोड़ एक बड़ी मांग है, बड़ी राशि है और इतनी बड़ी राशि की आवश्यकता क्यों पड़ी ये मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी को इस सदन के सामने एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। दूसरी बात कि बजट बनाते समय
क्या ये डिमांड सामने नहीं थी? और अगर थी तो उनको बजट में क्यों नहीं शामिल किया गया? और मैं उपाध्यक्ष महोदय कुछ आइटम्स की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। इसमें जैसे ग्रांड नंबर 35 ट्रांसफर्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स, स्पेशल प्लान असिस्टेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम इन तिरुपुर तमिलनाडु एंड एडिशनल अमाउंट फॉर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स। टोटल अमाउंट इज 6,379 करोड़। मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय कि यह सारा कुछ जो इसमें लिखा गया है, यह सारा कुछ एंटिसिपेट किया जा सकता था बजट बनाते समय, और ऐसा नहीं करना बजट का या बजट मेकिंग की जो प्रक्रिया है उसका अपमान है। उसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ग्रांड नंबर 72 फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्पेंसेशन टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टुवर्ड्स एस्टिमेटेड अंडर रिकवरीज ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दिस कुड हैव बीन इजीली एंटिसिपेटेड। कोई कारण नहीं है कि ये मांग सप्लीमेंट्री डिमांड में आए। उसी तरह 81 ग्रांड नंबर मीटिंग एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 6,300 करोड़ रुपीज, मीटिंग एडिशनल रिक्वायरमेंट 337 करोड़ रुपीज ऑफ इंदिरा आवास योजना अंडर रूरल हाउसिंग टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 लाख हाउसेज इन द स्टेट ऑफ झारखंड। क्यों नहीं एंटिसिपेट किया जा सकता था बजट बनाते समय? मैं जो बिंदु आपके सामने रख रहा हूं वो ये रख रहा हूं कि थोड़ा बहुत ये स्वतंत्रता छूट वित्त मंत्री को रहती है कि भाई थोड़ा 5,000 यहां दबा दो, 10,000 वहां दबा दो बजट बनाते समय। लेकिन अगर फर्स्ट ही सप्लीमेंट्री में 54,000 करोड़ रुपए की मांग के साथ वित्त मंत्री आते हैं तो मुझे अफसोस के साथ सदन में कहना पड़ेगा कि यह सर्वथा अनुचित है और यह राशि उनको बजट में ही इंक्लूड करना चाहिए। इस समय उपाध्यक्ष महोदय जो आर्थिक प्रबंधन है पूरे देश का, उसका सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, जिस पर कि पिछले 2 दिनों में चर्चा हुई। मैं उस चर्चा को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कल जब वित्त मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब थियरी इस सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा चूंकि ग्रोथ रेट बढ़ रहा है इसलिए महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई को रोकने के उपाय बताने के बजाय वित्त मंत्री महोदय ने महंगाई का औचित्य इस सदन के सामने रखा। वित्त मंत्री जी यहां नहीं है, होते तो मैं उनसे पूछता कि क्या वो अर्थशास्त्री हैं, इज ही ए ट्रेंड इकोनॉमिस्ट, और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ट्रेंड इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, कुछ अनुभव है वित्तीय मामलों का लेकिन मैं ट्रेंड इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, और जहां तक मुझे ज्ञात है प्रणब बाबू भी ट्रेंड इकोनॉमिस्ट नहीं है, इसलिए उनको किसी ने बताया होगा कि ये थियरी है, इकोनॉमिक थियरी है कि अगर ग्रोथ होगा तो महंगाई बढ़ेगी। मैंने पिछले
नौ वर्षों के आंकड़े इकट्ठे किए, जो 21वीं सदी के पहले दशक के आंकड़े हैं, और वो है जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा और महंगाई का दर क्या रहा। और मैं उन आंकड़ों को सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, और खुद सदन और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बढ़ती महंगाई का ग्रोथ रेट से कोई ताल्लुक है या नहीं। सन 2001-2002 से मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूं, उस साल जीडीपी ग्रोथ था 5.8%, आज की सरकार के मुताबिक उसको लो ग्रोथ रेट माना जाएगा, बल्कि वित्त मंत्री जी ने एनडीए सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि आपके समय महंगाई कम इसलिए थी क्योंकि ग्रोथ नहीं था और मांग नहीं थी। 5.8 ग्रोथ रेट था, 5.8% ऑफ जीडीपी, और होलसेल प्राइस इंडेक्स था मात्र 1.6%, 5.8 लगभग 6% का ग्रोथ रेट कोई बहुत कमजोर ग्रोथ रेट नहीं माना जाएगा। 96 जब इन्होंने छोड़ा था तब ठीक, और उसके बाद भी होलसेल प्राइस इंडेक्स रहा 1.6%। सन 2002-2003 में ग्रोथ रेट रहा मात्र 4% जीडीपी का, और वह इसलिए आप जानते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय आपको याद होगा कि देश का सबसे भीषण सुखाड़ उस साल देश के सामने आया था, सबसे भीषण सुखाड़, और 40 मिलियन टन अनाज कम पैदा हुआ था, कृषि का उत्पादन 18% से घटा था। तो 4% ग्रोथ रेट और महंगाई का दर था 6.5%, ग्रोथ रेट घटा महंगाई का दर बढ़ा। उसके बाद आइए 2003-2004 जो हम लोगों के शासन का अंतिम वर्ष था, उस साल ग्रोथ रेट था 8.5% और महंगाई का दर था 4.6%, ग्रोथ रेट बढ़ा 8.5% गया और महंगाई का दर घटके 4.6% हो गया। अब इनके यूपीए 1 के कार्यकाल में आइए, सन 2004-2005 जीडीपी ग्रोथ रेट था 7.5%, घट गया, महंगाई का दर था 6.5%।